हेलो एवरीवन, आई एम पूनम कुमारी फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीएनए सीक्वेंसिंग. व्हाट इज डीएनए सीक्वेंसिंग? डीएनए सीक्वेंसिंग इज ए बायोकेमिकल मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल. न्यूक्लियोटाइड बेसिस हमें पता है ए जी सी टी हैं, उसकी अरेंजमेंट को जानने के लिए हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं. डीएनए सीक्वेंसिंग की मेथडोलॉजीज के बारे में बात करें तो डीएनए सीक्वेंसिंग की तीन मेथडोलॉजीज हैं. फर्स्ट इज चेन डिटर्मिनेशन मेथड, सेकेंड इज केमिकल डिग्रेडेशन मेथड एंड थर्ड इज पायरो सीक्वेंसिंग मेथड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चेन टर्मिनेशन मेथड. चेन टर्मिनेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड सेंगर्स मेथड और डाई डिओक्सी मेथड. इसमें हम डाई डीएनटीपीज यूज करते हैं एज ए टर्मिनेटर्स. सेकेंड की बात करें केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, दिस वॉज गिवन बाय एलन मैक्सन एंड वॉल्ट गिलबर्ट. इन दिस वी ट्रीट विद केमिकल द डीएनए मॉलिक्यूल एंड इट कट इट एट स्पेसिफिक पोजिशन. नेक्स्ट इज अवर पायरो सिक्वेंसिंग, दिस वॉज गिवन बाय मुस्तफा एंड पाल नायरन. इन दिस डीएनटीपीज आर अटैच बाय ए फ्लैश मॉलिक्यूल विच गिव फ्लैश लाइट. चेन टर्मिनेशन मेथड ऑल्सो कॉल्ड सेंगर्स मेथड इन विच वी यूज डाई डी एन टी पीज. डाई डीओक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फोस्फेट इज द डेफिनेशन ऑफ डी डी एन टी पीज. इन नॉर्मल डी एन टी पी वी लैक थ्री ऑक्सी ग्रुप. इन दिस पिक्चर वी सी इन डी एन टी पी डाई डीओक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फोस्फेट वी हैव ओ एच ग्रुप एट द थ्री डैश एंड. बट इन डाई डीओक्सी न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट वी डो नॉट हैड ओ एच ग्रुप, वी लैक द ओ एच ग्रुप, ओनली एच इज प्रेजेंट एट द थ्री डैश टर्मिनस. That's why we call it dideoxynucleotide, because in the first carbon we also have H and in second we also have H, so we remove two oxy groups, that's why we call it dideoxy. What is deoxyribose? We know ribose sugar. In ribose sugar we have five carbons in which second carbon have oxy group and third carbon have oxy group. If we remove the first oxy group from the second carbon, then we call it deoxyribose, which is used in DNA. If we also remove the third oxy group from the third carbon, then it's called dideoxy. Now we see the ribose, deoxyribose and dideoxyribose pictures. In ribose we have both OH groups at second carbon and third carbon, or we said second terminus or third terminus we have hydroxyl group, oxy group. In deoxyribose we have at second terminus only H is present, oxy is removed. In third terminus we have oxy, so we call it deoxyribose because we remove one OH from the second terminus. In dideoxy we remove one from the second terminus and one oxy from the third terminus. We remove two OH groups, two oxy groups, that's why we call it dideoxyribose. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करें तो वी नो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे ग्रो होती है. एट द थर्ड टर्मिनस ऑफ सुगर हमारा फॉस्फेट जाके अटैच होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का एंड देन पी एस बॉन्ड इज फॉर्म. हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एट द थर्ड टर्मिनस वी हैव ओ एच ग्रुप इट विच द फॉस्फेट ऑफ फाइव डैश एंड अटैच एंड ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्म. दैट्स जो हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो करती है. सेम पिक्चर शो कर रही है सिंथेसिस रिएक्शन इन विच वी हैव बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. इन दिस शुगर वी हैव ओ एच एट द थर्ड टर्मिनस एंड द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कम एंड अटैच विद द थर्ड टर्मिनस विद द फॉस्फेट एंड द रिएक्शन कम्प्लीट्स. सो वी से ऑक्सी ग्रुप ओ एच ग्रुप एट द थर्ड टर्मिनस इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड और डी एन ए.
this reaction also shows if we use dideoxynucleotide triphosphate instead of DNTP, तो reaction जो है वो हमारी आगे further proceed नहीं करेगी, because OH group is absent, oxy group जो है वो third terminate से absent है, तो जो chain है वो further आगे process नहीं होगी, sugar phosphate bond जो है वो form नहीं होगा. हमने पहले भी discuss किया है कि dideoxy है 2OH absent at the two second terminus and third terminus, both have OH absent. In deoxyribose we have OH at the third end. OH at the third terminus is required for bond formation. If dideoxy have OH absent, then no bond formation occur. In this picture we show this sugar have H only at the three terminus, so the next nucleotide phosphate does not bond with it and no bond formation occur and no chain synthesis occur. अब हम बात करते हैं DNA sequencing के steps की. तो steps में DNA sequencing करने के लिए chain termination method के लिए हमें सबसे पहले हमारा एक आइसोलेट करना होगा स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट जिसकी हमें सीक्वेंसिंग जाननी है. वो डबल स्टैंडर्ड होगा, उसको हमें सबसे पहले डीनेचर्ड करना होगा, सिंगल स्ट्रैंड बनाना होगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड ही हम यूज़ कर सकते हैं. अब जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हमने बनाया है डीनेचरिंग से, उसको हम एज ए टेम्पलेट यूज़ करेंगे ताकि हम उसकी सिक्वेंसिंग को जान सकें. सिक्वेंसिंग इसकी अननोन रहेगी हमारे लिए. अब हम 4 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, उनको लेबल करेंगे और इक्वल अमाउंट में उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालेंगे, प्राइमर डालेंगे, टेम्पलेट डालेंगे ये वाला, डीएनटीपीज डालेंगे और डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट डालेंगे. ये हमारी 4 टेस्ट ट्यूब हैं जिनको हमने लेबल कर लिया है A, G, T, C. इसमें हमने इक्वल अमाउंट में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाला है, डीएनटीपीज डाले हैं, प्राइमर डाला है और डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट डाले हैं. हर ट्यूब में हमने अलग डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड डाला है. इसमें हमने डाइडियोक्सी एडेनिन ट्राइफोस्फेट डाला है, इसमें डाइडियोक्सी ग्वानिन ट्राइफोस्फेट डाला है, इसमें डाइडियोक्सी TTP डाला है और इसमें डाइडियोक्सी साइटोसिन डाला है. तो हमने चारों ट्यूब्स में इसमें एडेनिन, इसमें ग्वानिन, इसमें थायमिन, इसमें साइटोसिन DNTPs डाले हैं. ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसकी सीक्वेंस हमें अननोन है, जिसकी सीक्वेंसिंग हमें जाननी है. ये हमारा टेम्पलेट है. ये हमने चार हमारे ट्यूब्स ले लिए जिसमें हमने इक्वल अमाउंट में सब कुछ डाला है. ये आपको एक पिक्चर फॉर्म में दिखा रहे हैं. अब इसमें हमने डाइडेंट ATP डाला है, डाइडियोक्सी इसमें साइटोसिन, इसमें ग्वानिन, इसमें थायमिन. ओनली डाइडियोक्सी का ही डिफरेंस है, बाकी सारे मोलिक्यूल सेम हैं. जब हम सीक्वेंसिंग कराते हैं, डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन करता है, तो उसके लिए हमें प्राइमर रिक्वायर होता है. प्राइमर हम कैसे लेंगे? अगर हमें सीक्वेंस ही नहीं पता इस टेम्पलेट की, तो हम प्राइमर कैसे अटैच करेंगे? अब प्राइमर को अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर लेंगे, कोई भी एक वेक्टर लेंगे, उसमें हम हमारा डीएनए फ्रेगमेंट डाल देंगे. जो हम ये वाला डीएनए फ्रेगमेंट है वो डाल देंगे. अब जो हमने वेक्टर दिया है उसकी सीक्वेंस हमें नोन है, यहाँ पे हमारा फ्रेगमेंट है, यहाँ की सीक्वेंस हमें पता है. हम एंजाइम यूज़ करेंगे, यहाँ से कट करवाएंगे. अब जो ये वाली सीक्वेंस है ये तो हमें पता है, क्योंकि वेक्टर की सीक्वेंस हमें पता है. हम नॉन सीक्वेंस वाला वेक्टर लेंगे. अब हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम अपना प्राइमर यूज़ करेंगे. तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे वेक्टर की है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्राइमर यूज़ करेंगे. प्राइमर हो गया, अब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी. अब जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हमें पता है ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन है. ये हमें पता है कि ग्वानिन साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री है और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन है. थायमिन एडेनिन बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन बनाएगा. अब हम इस रिएक्शन में हमने अपनी तरफ से एक ले ली है सीक्वेंस GTGA CTTA TCGA की.
अब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो डाइडियोक्सी एटीपी है वो क्या करेगा, जहाँ पे हमें थायमिन प्रेजेंट होगा वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। तो अब जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं फर्स्ट वाली, तो इसमें ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन बन गया। अब यहाँ पे थायमिन है तो हो सकता है रिएक्शन में हमारा डाइडियोक्सी एडेनिन जो है वो यहाँ जाके अटैच हो जाए और रिएक्शन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी। अगर रिएक्शन यहीं पर टर्मिनेट हो जाती है तो रिएक्शन खत्म हो गई, फ्रेगमेंट छोटा सा बनेगा। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हो सकता है हमारे जो सॉल्यूशन है ट्यूब में उसमें बोथ डीएनटीपीज भी प्रेजेंट हैं और भी कह सकते हैं एडेनिन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड एडेनिन भी प्रेजेंट है और डाइडियोक्सी ट्राइफोस्फेट भी प्रेजेंट है, बोथ प्रेजेंट है। दोनों इक्वल अमाउंट में कम्पीट करेंगे, जो पहले पहुंचेगा वो रिएक्शन करेगा। मान लो यहाँ पे डाइडियोक्सी ना पहुंच के नॉर्मल एटीपी पहुंच जाए, डियोक्सी एडेनिन पहुंच जाए तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। रिएक्शन आगे चलेगा तो ये रिएक्शन हो सकता है यहाँ तक चला जाए, ठीक है, हो सकता है रिएक्शन यहाँ तक चला जाए। अब यहाँ पे आके हमारा डाइडियोक्सी एटीपी लग जाए, डाइडियोक्सी एडेनिन न्यूक्लियोटाइड लग जाए, यहाँ लगेगा तो रिएक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। हो सकता है यहाँ पे भी नॉर्मल डीएटीपी लग जाए, डियोक्सी लग जाए तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब रिएक्शन आगे बढ़ गई तो हो सकता है यहाँ पे डाइडियोक्सी एटीपी लग जाए तो रिएक्शन यहाँ टर्मिनेट हो जाएगी, तो ये एक और फ्रेगमेंट बन गया। फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि रिएक्शन यहाँ तक तो नॉर्मल चले, नॉर्मल डियोक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफोस्फेट लग रहा है, अब यहाँ हम आके हमारा डाइडियोक्सी लग जाए। अब अगर यहाँ आके हमारा डाइडियोक्सी लग जाएगा तो रिएक्शन यहां टर्मिनेट हो जाएगी। अब जब रिएक्शन यहां टर्मिनेट हो जाएगी तो जो हमारा फ्रेगमेंट है वो यहां तक बनेगा। तो ऐसे करके हमें चार फ्रेगमेंट मिल जाएंगे, यहां हमें चार फ्रेगमेंट मिल गए। सेम हमारा डाइडियोक्सी जो हमारी सेकंड ट्यूब है साइटोसिन वाली, उसमें भी सेम प्रोसेस चलेगी। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है तो हो सकता है रिएक्शन यहीं टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है यहां पे ना टर्मिनेट होके सेकंड ग्वानिन पे टर्मिनेट हो जाए, वहां पे भी ना हो तो थर्ड ग्वानिन पे टर्मिनेट हो जाए, और या हो सकता है फोर्थ ग्वानिन पे टर्मिनेट हो जाए। जहां पे भी डाइडियोक्सी जाके अटैच हो जाएगा वहां पे रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है डाइडियोक्सी ना अटैच हो, नॉर्मल एटीपी नॉर्मल ग्वानिन अटैच हो जाए तो रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे भी चार फ्रेगमेंट बन गए। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्यूब है उसमें ग्वानिन है, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है, तो ग्वानिन क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन नॉर्मल चल रही है, या तो यहाँ टर्मिनेट होगी या वहाँ टर्मिनेट होगी, तो इसमें दो फ्रेगमेंट बनेंगे। ऐसे ही हमारे डाइडीटीपीज में भी चार फ्रेगमेंट बनेंगे। ऐसे करके हमारे चार फ्रेगमेंट बन गए, टोटल हमारे कितने फ्रेगमेंट बन गए, फोर फोर, ऐसे करके हमारे 14 फ्रेगमेंट बन गए। हमें 14 फ्रेगमेंट मिल गए हमारी फोर ट्यूब से। अब हम क्या करेंगे, हम इनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे। अब जब हम इनको रन कराएंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जब हम ये हमारे वेल्स होते हैं हमारे जेल में, उनमें हम चारों ट्यूब्स का मटेरियल डाल देंगे। अब जब इसमें जब ये रन करेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो सबसे नीचे जाता है, लार्ज साइज वाला मॉलिक्यूल सबसे ऊपर रहता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला मॉलिक्यूल होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, लार्ज वाला सबसे ऊपर रह जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तब हम 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दे चुके हैं साइज के बेसिस पे। अब हम देखेंगे सबसे छोटा फ्रेगमेंट कौन सी वाली ट्यूब में आ रहा है। सबसे छोटा फ्रेगमेंट डाइडियोक्सी साइटोसिन वाली ट्यूब में आ रहा है, तो हम पहले सी लिख लेंगे, फिर हम उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला कहाँ आ रहा है, सबसे उससे स्मॉलेस्ट कहाँ आ रहा है, तो हम देखेंगे सेकेंड ट्यूब में आ रहा है, जो कि हमारी डाइडियोक्सी एडेनिन ट्राइफोस्फेट की टेस्ट ट्यूब है, तो हम सेकेंड पे ए लिख लेंगे। अब हम देखेंगे अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, तो हम देखेंगे अब हमारा सेकेंड ट्यूब में है डाइडियोक्सी साइटोसिन वाली में ही हमारा नेक्स्ट थर्ड फ्रेगमेंट है, तो हम यहाँ पे थर्ड लिख लेंगे। अब हम देखेंगे फोर्थ कहाँ पे है, यहाँ पे है, हम फिर से सी लिख लेंगे। अब हम फिफ्थ देखेंगे कहाँ पे है, तो ये हमारा डाइडीएनटीपीज वाली में है, तो हम टी लिख लेंगे। ऐसे करके हम सारी सिक्वेंसिंग कर लेंगे, हमारा लार्जेस्ट फ्रेगमेंट भी यहाँ पे है, हम टी लिख लेंगे। अब क्या होता है, हमें पता है कि जो हमने ये सिक्वेंसिंग करी है ये तो कॉम्प्लीमेंट्री की करी है, ये सिक्वेंस जो हमारा टेम्पलेट फ्रेगमेंट है ये तो अननोन है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही हमने जो करा है उसकी सिक्वेंसिंग हमें मिली है। अब हम
हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री करके हम हमारी अननोन की सिक्वेंसिंग भी जान सकते हैं, तो अभी जो सिक्वेंस मिली है इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगा के हम हमारे टेम्पलेट डीएनए की सिक्वेंसिंग जान सकते हैं। तो हमारा टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ऐसे करके हम ए जी सी टी हमारे डीएनए की पूरी सिक्वेंसिंग जान सकते हैं और हमें ऐसे पता चल जाएगा कि हमारा डीएनए की सिक्वेंसिंग कौन सी है। ये हमारी समरी है, इसमें हम डीएनए लेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड जिसकी सिक्वेंस हमें नोन करनी है, प्राइमर लेंगे, 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें इक्वल अमाउंट में हम प्राइमर डीएनटीपीज डाई डीएनटीपीज डालेंगे और इसके बाद हम इसको रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जेल पे रन करेंगे, जेल पे हमारे बैंड्स बन जाएंगे, उन बैंड से हम सिक्वेंसिंग नोट कर लेंगे। जो स्मॉलेस्ट वाला मॉलिक्यूल, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, स्मॉलेस्ट वाला जो मॉलिक्यूल होता है साइज में वो सबसे नीचे मूव करता है जेल में, लार्ज साइज वाला मॉलिक्यूल अपर में ही रह जाता है। सबसे ऊपर हमारे वेल्स होते हैं, वहां हम हमारा सैंपल लोड करते हैं, जो स्मॉल साइज होगा वो जेल में मूव करके लोअर पहुंच जाएगा, लार्ज साइज वाला अपर साइड में रह जाएगा। इस तरह से हम साइज के बेसिस पे हमारी सिक्वेंसिंग नोट कर लेंगे, उसके कंप्लीमेंट्री करके हम हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है जिसकी सिक्वेंस हमें नोन करनी है उसकी सिक्वेंसिंग हम नोन कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस है डीएनए सिक्वेंसिंग की। थैंक यू।